नमस्कार, मैं महिमा किरण हूँ, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों, हमारा चैप्टर आज है एक दिन का कविता है। आपके चैप्टर की पार्ट 13 है, हरिवंश। हरिओद उपाध्याय जी का है ये। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कविता है और उनका उपनाम है हरिओद जी। तो कविता में क्या समझाया गया है बच्चों, ये कविता के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनका उपनाम क्या है? हरिओद। ठीक है, अब कविता को हम शुरू करते हैं। कविता के अंदर कवि एक दिन छत के ऊपर मुंडेर पर खड़ा है। मुंडेर यानी छत पे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। यानी कवि एक दिन, यानी कवि खुद को कह रहा है मैं एक दिन घमंड से भरा हुआ, यानी अहंकार, मेरे स्वभाव में अहंकार आ गया था, मैंने प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया था और मैं घमंड से भरा हुआ था कि मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इस घमंड से भरा हुआ एक दिन ऐठा हुआ यानी अकड़ करके खड़ा था। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, जब मैं छत पर खड़ा था, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, दूर से हवा से उड़ता हुआ क्या आया? एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख के अंदर एक तिनका गिर गया। फिर क्या हुआ? मैं झिझक गया, मैं बेचैन हुआ, बहुत बेचैन सा और बहुत बेचैन हो गया, मेरा चैन सारा खो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मेरी आंख लाल हो गई तिनका गिरने से और दर्द भी करने लगी। फिर क्या हुआ? मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोगों ने अनेक प्रयास की, जो आसपास लोग थे वो कपड़े को रोल बना करके, उसका गुच्छा बना करके आंख पर से करने लगे। क्यों करने लगे? ताकि आंख से किसी भी प्रकार से तिनका निकल जाए। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पांव भगी, ऐंठ यानी मेरी अकड़, बिचारी दबे पांव यानी चुपचाप भाग गई। कौन? मेरी अकड़ चुपचाप भाग गई। मैं जिस प्रकार से अकड़ के खड़ा था, मेरी अकड़ सारी निकल गई। जब किसी ढंग से तिनका निकल गया, जब तिनका किसी भी प्रकार से, जब यानी तरीके से, हर तरीके का उपयोग किया, हर प्रकार हमने उसका प्रयास किया, तब कहीं जाके जब तिनका मेरी आंख से निकल गया, तब क्या हुआ? तब समझ यानी मेरी बुद्धि ने यूं मुझे ताने दिए। क्या? मुझे, मेरी बुद्धि ने मुझे ताना मारा। क्या ताना मारा? ताना शब्द होता है चुपकी हुई कोई बात कहना। किसने चुपकी हुई बात कही? उनकी बुद्धि ने। ऐठा तू किस लिए इतना रहा? तुम किस लिए इतने ऐठ कर खड़े थे, अकड़ कर खड़े थे? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक छोटी सी घास के तिनके ने तुम्हारी घमंड को तोड़ दिया, तुम्हारे अहंकार को तोड़ दिया। इस प्रकार से बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें जो क्या बताया है कि व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर चला जाए, कितना भी प्रसिद्ध क्यों हो जाए, उसे कभी भी अपने जीवन में अहंकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अहंकार को एक दिन का भी व्यक्ति की अकड़ को खत्म कर सकता है। तो इसका सारांश बच्चों मैंने आपके लिए लिख दिया है, एक बार बोल देती हूँ मैं इसको, कि इस कविता में कवि ने हमें घमंड नहीं करने की प्रेरणा दी है। कविता के अनुसार क्या है कि कवि एक दिन घमंड के साथ छत के ऊपर खड़ा था, तभी उसकी आंख में एक तिनका हवा के द्वारा गिर जाता है। उन्हें बड़ी तकलीफ हुई और लोगों ने जैसे तैसे प्रयास करके उस तिनके को उनकी आंख से निकाला। तब कवि की समझ में ये आया कि व्यक्ति को हमेशा सर